हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर ये जो थीम का एप्लीकेशन होता है तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे आप लोग कैसे अपडेट करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पर बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है और अब आप लोग यहाँ पर इसको अपडेट करना चाहते हैं। तो इसको अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे अपने फ़ोन पर सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है सिस्टम ऐप अपडेटर करके, तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपको दिखाई देगा, फिर यहाँ पर आपको जो है थीम का एप्लीकेशन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे अगर अपडेट करना है तो आप लोग यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इसको जो है आप लोग यहाँ पे अपने फ़ोन पर अपडेट कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जो सिस्टम एप्लीकेशन रहते हैं आपके फ़ोन पर वो सारे को जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको ऑल अपडेट पर क्लिक करना है। फिर आपके फ़ोन में जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन रहेंगे वो सारे एप्लीकेशन को यहाँ पर आप लोग जो है अपडेट कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से अपने फ़ोन में सारे सिस्टम एप्लीकेशन को आप लोग अपडेट कर सकते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यहाँ पे मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यहाँ पर जो है जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है लिख के मेरे को यहाँ पर बता दीजिए। ओके, तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।